आज हम बनाएंगे खीर वो बनी और कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी आपको एंड में आपको मिल जाएगा, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले खीर हम बनाएंगे सूरन की, इंग्लिश में आई थिंक उसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इमेज दे दूँगी आप चेक कर लेना। देन उसको आपको बाहर का जो कवर पोर्शन है, आई थिंक एलिफेंट प्लांट्स हैं, उसका बाहर का पोर्शन आपको छीलना है। उसके बाद उसको धो लेना अच्छे से, छोटे छोटे पीसेस कट कर लेना एंड देन विसल करना उसका, घी डाल के उसमें थोड़ा सा विसल कर लेना 3-4, और विसल होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। एंड देन आप मिल्क लीजिएगा बॉईल करने को रखिए, उसमें कैडमन पाउडर, थोड़ा सा साल्ट, शुगर एज पर आपको जितना चाहिए उतना डाल दीजिएगा। देन वो जो किया है हमने स्मैश वो उसमें डालना एंड जस्ट रोस्ट इट, इट टेस्ट टू गुड। ये मैंने सबसे पहले नवरात्रि में खाया था, मेरी फ्रेंड ने पूजा ने लाया था जब हम लोग कॉलेज में थे, सो याद आया मुझे अचानक से, सो आई जस्ट शेयर दिस रेसिपी अलॉन्ग। आपको नीचे दिख रहा होगा एक चटनी का रेसिपी, दो चटनी है, मुरंगा लीव्स का चटनी और एक कुनार शेफ़ का चटनी, वो ज़रूर ट्राई करना। कुनार शेफ़ का चटनी का जो स्पेसिफिक पार्ट है ग्रीन कलर का पेस्ट, वो आप चेक करना, और पीनट और जो क्या कहते हैं उसे दही, वो आप पीनट बटर का या फिर पीनट का या फिर कोकोनट का ट्राई करना, और उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप जो कीवर्ड्स डाल के आप सर्च करना, इट विल बी इजी फॉर यू टू चेक। एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस हेल्दी रेसिपीज़। और मुर्गन चटनी के साथ हरी हरडो का भी चटनी चेक कर लेना। जिसको मैगी यप्पी पसंद है उनके लिए भी एक रेसिपी है, बोनस रेसिपी, आपका फ्राई राइस आप करते होंगे रेगुलरली, तो फ्राई राइस नॉर्मली कर दीजिएगा। क्या करना, राइस जो है बचा हुआ रहता है उसमें जो मैगी का मसाला है आप वो मिक्स करना है, अगर आप यप्पी अच्छे लगता है आपको यप्पी का मसाला उसे मिक्स कर देना, और जो नूडल्स का पार्ट है वो अलग से रोस्ट करना। देन आप जो तड़का लगाते हो नॉर्मल बेसिक जीरा राई डाल के, कोरिएंडर सीड्स डाल के, साल्ट डाल के थोड़ा सा, और वो रोस्ट कर देना अच्छे से, कुछ पीनट्स आपको चाहिए तो ऐड कर देना, देन ये सब मिक्स कर लेना एंड आपका अच्छा सा एक हेल्दी सा एक क्यूट सा डिश रेडी हो जाएगा। मैगी राइस या फिर यप्पी राइस आपको जो पसंद आए आप उसे कह सकते हो, डू ट्राई। और अगर आपने कोई भी रेसिपी ट्राई करे आप तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट में आके शेयर करना। फिर देन थैंक यू। हाँ मैं भूल गई बताना, आपको नीचे एक रिलेटेड वीडियो दिखेगा, उसमें आपको बहुत सारी रेसिपीज़ दिखेंगी और दो वीडियो मेन दिखेंगे मेरे ये फूड माइंड एंड बॉडी का, आप ये ज़रूर चेक करना। उसके भी नीचे आपको कुछ रेसिपीज़ आइडियाज़ मिलेंगे और न्यू रेसिपीज़ ऑफकोर्स आप ट्राई कर लेना। होप ये फूड का सेशन आपको अच्छा लगे। थैंक यू।